प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा दौरे पर हैं और 1 नवंबर को यहां पर मानगढ़ धाम में जिस तरह का आयोजन हो रहा है, ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। मानगढ़ धाम पर जिस तरह से बलिदानी गाथा आदिवासियों के द्वारा लिखी गई, उसको पूरे देश और दुनिया में वो गाथा कैसे फैले और उसका उजियारा कैसे हो, इस पर बहुत बड़ी कवायद होने जा रही है। और यह धाम धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा एक स्थान बने, यह भी आयोजन यहाँ पर सफल होने जा रहा है। और इस आयोजन की तैयारी के लिए यहाँ पर जिलों की नगरी उदयपुर में बड़ी बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, सतीश जी पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित यहाँ पूरे संभाग के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है और इस सभा हेतु जिलों की नगरी उदयपुर में अहम बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा सतीश पूनिया इस बैठक में आए और उदयपुर संभाग के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। यहाँ पर हुई बैठक में क्या कहा नेताओं ने और क्या राजनीति के तीर छूटे, देखिए। बलिदान से भी बड़ा बलिदान गोविंद गुरु ने धूनी आंदोलन के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को तैयार किया अंग्रेजों के खिलाफ, गुरिया नहीं मानो रे नहीं मानो, उनका वो गीत आदिवासी के घर घर में और महिला महिला के गले पर है। इस कार्यक्रम को हम कितना प्रभावी बना सकते हैं उसके लिए सारी बात। आज भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर संभाग के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की 1 नवंबर को मानगढ़ धाम में, जहाँ 1913 में बड़ी संख्या में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहादत हुई थी पूज्य गोविंद गुरु के नेतृत्व में। कालांतर में वो स्थान, क्योंकि गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है, वो एक स्मारक के रूप में विकसित हुआ और हर वर्ष वहाँ पूर्णिमा पर बड़ा मेला और लोगों का आगमन होता है। भारत के प्रधानमंत्री जी की ये दूरदृष्टि है कि न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक वरन सामाजिक चेतना के भी ऐसे स्थान हैं, उनको विकसित करने की उनकी मंशा रहती है। और इसी भावना के साथ उन्होंने खासतौर पर, क्योंकि आज़ादी के संग्राम में जनजाति समाज की भी एक बड़ी भूमिका रही, ये वही स्थान है जहाँ कालीबाई भील ने, एक भील बालिका ने किस तरीके से अलख जगाई, नाना भाई खाट ने, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनका यश वंचन नहीं हुआ। तो मानगढ़ भी उसमें से है, जिस तरीके से जलियांवाला बाग की घटना हुई 1919 में, यहाँ भी उसी तरीके की शहादत हुई। ये काम की संस्कृति मंत्रालय के उसमें तत्वावधान में होगा और एक स्वयंसेवी संस्था शिवगंगा उसकी पहल पर होगा, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को समन्वय कर रहे हैं श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, वो भी आज इस बैठक में उपस्थित हैं और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और जानकारी आप लोगों के बीच में रखेंगे। लेकिन यहाँ इस संभाग के 7 जिलों के जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, प्रधान, चेयरमैन, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पार्टी के मोर्चों के अध्यक्ष भी, प्रदेश के मोर्चों के 2 अध्यक्ष, युवा मोर्चा और एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, ये 3 अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे। कुल मिलाकर 700 ही जिलों के पूरे संभाग के, खासतौर पर जनजाति समुदाय के बड़ी संख्या में वो शिरकत करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें रहेंगे, लेकिन ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने की जो कल्पना की थी, वो प्रधानमंत्री के रूप में उसको मूर्त रूप देंगे, ये हम सबका सौभाग्य है। तो एक प्रारंभिक चर्चा और तैयारी के लिए हम सब लोग आए थे। कार्यक्रम में किस रूप में रहेगा उसकी तैयारी और विस्तृत रूप में कहा, भविष्य में वापस श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी का इस क्षेत्र में आगमन होगा, तो मैं अर्जुन जी को ही कहूँगा कि इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों को का और पूरी तरीके से तैयार भी। अचानक नहीं है, एक मिनट चलो आपका थोड़ा जायका काम कर देते हैं।
20 और 21 को आप लोगों को संज्ञान में है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कोटा में दौरा प्रस्तावित था और उस दौरान उनका अलग अलग वर्गों के साथ संवाद था, प्रबुद्धजनों के साथ, युवाओं के साथ, बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ। उसमें एक जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो कोर समिति की बैठक भी पहले से प्रस्तावित थी और वो 21 तारीख को ही थी, लेकिन क्योंकि इसी दौरान हिमाचल के चुनाव घोषित हो गए और हिमाचल के चुनाव घोषित होते ही उम्मीदवारों का चयन, वहाँ की तैयारियाँ, इस लिहाज से अध्यक्ष जी को दिल्ली में रहना लाजमी था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, न तलब हुआ है, पहले से प्रस्तावित बैठक थी जो अध्यक्ष जी की और केंद्रीय नेताओं की सहूलियत के लिए हम सब लोगों ने उचित समझा कि हम लोग दिल्ली जाकर और उनके आमंत्रण पर कोर समिति की बैठक वहीं करें। और इसलिए नेचुरल भी नहीं है, कोई तलब नहीं है, कोई तलबगार नहीं है, पार्टी के अपने व्यवस्था की परंपरा का हिस्सा है। वहाँ पर जो चर्चा होगी उसमें खासतौर पर, क्योंकि एक नियमित अंतराल पर होती है कोर समिति की बैठक, कई बार तात्कालिक मुद्दे भी होते हैं और कई बार दीर्घगामी मुद्दे भी होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं और हिमाचल के अलावा गुजरात के चुनाव में पार्टी 43 सीटों पर 108 नेता वहाँ प्रचार में रहते हैं। पार्टी के कोर समिति के सदस्य, हमारे तीनों ही चारों ही केंद्रीय मंत्री, उनका भी वहाँ प्रचार में जाना होगा। पार्टी के सभी प्रमुख नेता जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ प्रचार में जाएंगे। एक तो गुजरात के चुनाव में राजस्थान की पार्टी की 43 सीटों पर जीत की रणनीति और उस पर काम, उस पर चर्चा होगी। दूसरा, पार्टी 23 के लिए भी, क्योंकि गुजरात के बाद पूरा फोकस होगा 23 और 24। 23 में पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो। 24 में 25 की 25 तर्ज पर हम लोग मोदी जी के हाथ मजबूत करें, तो मिशन 2023 और 24 ये दोनों हमारी चर्चा का विषय रहेंगे। हम लोगों ने तय किया कि आने वाले समय में राजस्थान में, क्योंकि सरकार 17 दिसंबर को, सरकार को 4 साल हो गए, ये भी दिखता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सियासत करते हैं वो जश्न मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे बिना कुछ किए। और हम लोग विपक्ष के नाते, हमारी कोशिश है कि उस दिन को हम काले दिवस के रूप में या प्रतिकार के रूप में, जनाक्रोश के रूप में मनाएं। उसकी भी हम लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है, प्रारंभ, और उस ब्लू प्रिंट पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर संगठनात्मक, राजनीतिक और बाकी चीज़ों पर चर्चा होगी, सामान्य चर्चा होगी। और जो समिति के प्रमुख लोग हैं वो लगभग सभी के सभी ने सहमति दी, वह शिरकत करें। बड़े नेताओं के मन मुटाव, राजनीति में गॉसिप्स का अपना स्थान है। मैं पिछले अरसे से देख रहा हूँ कि कांग्रेस का डिवाइडेड हाउस प्रमाणिक तौर पर बंटा हुआ दिखता है। 50 दिन तक कोई सरकार दुनिया में कहीं बाड़े में बंद नहीं रही, यहाँ रही है। किसी भी पार्टी के उपमुख्यमंत्री को, पार्टी के अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं किया गया, कांग्रेस में किया गया। किसी भी नेता पर अपनी पार्टी की सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगा, यहाँ लगा है। कांग्रेस के खिलाफ उनके विखंडन के, विग्रह के प्रमाणिक तथ्य हैं जो आप अपनी कलम से लिखते हो और अपने जुबान से बताते हो। भारतीय जनता पार्टी में आपका एक ही सवाल होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा या 12-1 दर्जन मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा तीसरा सवाल नहीं है। और यही कई बार कांग्रेस के द्वारा या हमारे विपक्षियों द्वारा बार बार प्रचारित किया जाता है। ये सबको पता है कि हमारी कोशिश, हमारा मिशन, हमारा प्रयास 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे काबिज करना। अब जो बाकी काम है उसकी चिंता सभी करते हैं, उसका समाज भी करता है, मीडिया भी करता है, कार्यकर्ता भी करते हैं, नेता भी करते हैं। वो चिंता हमने संसदीय बोर्ड पर छोड़ दी। पार्टी का आला का मान कांग्रेस की तरह नहीं है कि चुनाव तो गुजरात में हो रहे, राहुल गांधी यात्रा केरल में निकाल। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कहीं कंट्रास्ट नहीं है कि राहुल गांधी अडानी का विरोध करें और अशोक गहलोत गलभैया करें, ये उनके यहाँ हो सकता है। हमारे यहाँ आलाकमान, पार्टी का संसदीय दल, संसदीय बोर्ड इक्वली कॉम्पिटेंट भी है, पावरफुल भी है, वो जो कहेंगे वही सब मिलकर करेंगे। इसलिए स्वभाव, मिजाज, उपस्थिति, अनुपस्थिति, ये चर्चा होती होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दल के नाते राजस्थान में पूरे तरीके से एकजुट है, प्रतिबद्ध है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में किसी का मतभेद नहीं है, पार्टी के संसदीय दल के निर्णय से, मानने से कोई इनकार नहीं कर रहा। इसलिए मुझे लगता है कि ये खाली चर्चाएं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं और ये आने वाले समय में आपको जाहिर भी हो जाएगा। इस बारे में मुझे लगता है कि ये भी पुराना सवाल है, जवाब भी पुराना ही मिलेगा, क्योंकि ये अक्सर मेरे से पहले, मेरे से बड़े नेताओं के बारे सवाल, इसकी चर्चा अक्सर होती है। और पार्टी जब यहाँ पर जब काम कर रही है, और अक्सर राजस्थान की राजनीति में जो चर्चा होती है, पहला कारक है परसेप्शन, जनधारणा। 1993 से आज तक के चुनाव लगभग 5 या 6 बार, उसमें हर बार सत्ता बदली है। तो जो राजस्थान का जनमानस है, जो जनधारणा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।
दूसरा कारक एंटी इनकमेंसी है, जो मैं अक्सर आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस तरीके का जनाक्रोश किसी सरकार के खिलाफ मैंने पहली बार देखा। 8 लाख मुकदमे किसी सरकार के रिजीम में 4 साल में दर्ज नहीं हुए थे, 17 बलात्कार रोज नहीं होते थे, 7 हत्याएं रोज नहीं होती थी, 32% बेरोजगारी हमेशा नहीं होती थी, किसान इस तरीके से आत्महत्या नहीं करता था, कर्जा माफी का लोक लुभावन नारा दिया नहीं जाता था 10 दिन में, और करप्शन हर 12 किलोमीटर पर नहीं होता था। ये अपने आप में इतने सारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, ये दृश्य पहले नहीं होता था, जो कहा जाता था वही किया जाता था। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है ये एक बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण है परसेप्शन, एंटी इनकम्बेंसी दूसरा बड़ा कारण है। तीसरा कारण है कि जो सरकार के अंतर्द्वंद, अंतर्कलर, अंतर्विरोध है, उसके कारण जो पार्टी बिखरी हुई दिखती है, मुझे लगता नहीं कोई चमत्कार भी कांग्रेस पार्टी के इसको रिपेयर कर पाएगा। एक पांचवा कारण है कि, और मैं उसको ऊपर रखता हूँ, 14 में जो मोदी जी ने जो कहा देश को बदलने के लिए, जो योजनाएं लेके आए, उसका इम्पैक्ट 19 में आया, लेकिन आने वाले समय में 23 में और 24 में राजस्थान के जनमानस पे जो पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस है उसका बड़ा प्रभाव होगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पर मोदी जी का नाम और काम ये 23 के चुनाव में बड़ा ब्रांड होगा, और इसलिए सारी फिक्र से अलग इन सब से इतर मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये काम संसदीय दल का है, वो चेहरा तय करते हैं, नहीं करते हैं, कब करते हैं, कलेक्टिव करते हैं, लेकिन पार्टी के पास सत्ता में आने के लिए पर्याप्त कारक हैं, पर्याप्त समीकरण है, पर्याप्त ताकत है, क्षमता है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस समय जो परिस्थितियां बनी हैं, अंतिम निर्णय तो संसदीय दल को ही करना, लेकिन हम सब कलेक्टिवली इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पार्टी निश्चित रूप से 23 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेगी और सत्ता में आएगी। ये चिंता केंद्र को करनी है, जब वो आदेश देंगे उसकी सब पालना करेंगे। तो सरकार अपने आप अल्पमत में आ जाती है, एक संवैधानिक संकट होता है। हालांकि ये इस्तीफे के बारे में हम लोग अभी स्पीकर साहब से मिले थे, 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, व्यक्तिगत दिया, स्पीकर के घर जाके दिया। अब विचित्र बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि अचानक ही हो गया, तो अचानक क्या शांति धारीवाल जी के घर पे हलवाई पहले से अपॉइंट है क्या? क्या उनके यहाँ टेंट उपलब्ध है? और स्पीकर महोदय क्या जलेबियाँ पहले से बनी हुई थी क्या? और बस कहीं अगल बगल में ही खड़ी होती होगी? तो इसका मतलब ये पूर्व नियोजित था, और इस्तीफा देने के कारण अब इसमें 2 पक्ष आते हैं, या तो इस्तीफे पाखंड है, कांग्रेस स्पष्ट करे कि भाई इस्तीफे सियासी पाखंड थे, राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने के लिए और ठगने के लिए हमने किए थे, नहीं तो इन इस्तीफों को स्वीकार किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति देश में किसी प्रदेश में पहली बार बढ़ी, तो मैं एग्जामिन करवा रहा हूँ। लेकिन ये बात तय है कि यदि ऐसा है, इस्तीफे दिए हैं, वाजिब दिए हैं, तो सरकार अल्पमत में दिखती है, क्योंकि 80-90 लोग इस्तीफा देते हैं तो सरकार बचती कहाँ। लेकिन फिर भी यदि वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं, पाखंड है, तो भी इस पाखंड को करने के लिए कांग्रेस पार्टी पाप कर्म की बागी है, राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने के लिए। उनका अपना सत्ता का संघर्ष था, लेकिन 4 साल में जो गवर्नेंस की फेल्योर हुई, और एक किस्म से इन इस्तीफों से ये साबित हो गया कि ये सरकार की संवैधानिक मशीनरी की फेल्योर जरूर है, देश में कहीं नहीं हुआ ऐसा। और इसलिए इस लिहाज से हमने स्पीकर साहब से गुजारिश की है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं इसको एग्जामिन करा रहा हूँ और योग्य निर्णय समय आने पर करूँगा। जो भी करेंगे हम उनके फैसले का इंतजार करेंगे, कानूनी पक्ष पर भी, संवैधानिक पक्ष पर भी उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। तो इसमें तात्कालिक प्रक्रिया थी और उसमें जो लोग उपलब्ध थे, और क्योंकि ऐसा इतना समय उसमें मार्जिन कम था, 2 हफ्ते हो गए थे, और एकदम से ये संज्ञान में आया कि स्पीकर साहब अभी तक उन स्थितियों के बारे में कोई निर्णय लिया नहीं ले पाए, तो खाली सूचना का ही अभाव था। इसमें कोई सियासत पार्टी की नहीं थी, न किसी के अश्रद्धा और असम्मान का। स्वाभाविक तौर पर कई बार किसी जगह कुछ प्रमुख लोग नहीं पहुंच पाते। मित्रों, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सारी बातों का जिक्र कर दिया, मैं कुछ इसमें से ऐड करूँ कि जो मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री जी की यात्रा का विषय है, ये स्वाभिमान का विषय है, और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जिसको प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं कि अनसंग हीरोज को भी याद करो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको इतिहास में वो मान और सम्मान नहीं मिला, इतिहासकारों ने भी उनके बारे में नहीं लिखा, तो उनको याद करने का समय भी है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान। और ये शुरू हुआ है अमृत काल,
जिसको 25 साल का ये अमृत कालखंड प्रधानमंत्री जी ने किया 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2047 तक, ये 25 साल का कालखंड है, इसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का नाम दिया। इस अमृत काल के पहले साल इस क्षेत्र में आना मानगढ़, ये अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए इसको किसी सियासत से देखने की जरूरत नहीं है, किसी राजनीति के चश्मे से भी देखने की जरूरत। अब बोल रहे हैं अपन, वहाँ के भी लोग थे, चार प्रांतों के लोगों को आना, और कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि एक महीने तक चेतावनी देते रहे अंग्रेज, तो भी गोविंद गुरु के नेतृत्व में वीर समाज के लोग उस पहाड़ी से हटे नहीं सर। तो ये इतना बड़ा एक श्रद्धा का केंद्र है, यहाँ प्रधानमंत्री जी की यात्रा होना इस पूरे संभाग के सौभाग्य के विषय है, इसलिए इसको सियासत या किसी राजनीतिक प्रश्न से नहीं देखना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, यात्रा का विषय आपने आया, एक घंटे का प्रोग्राम होगा भी मिला, 1 नवंबर को 11 बजे प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, 12 बजे उनका प्रस्थान होगा, 1 घंटे का हमें समय मिला, सभा होगी, उसमें तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित करने का विचार आया है, उसमें राजस्थान में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित करेंगे, बाकी लोग भी होंगे, संत महात्मा भी होंगे, तो इसलिए ये एक सरकार की ओर से आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। उसमें शिवगंगा करके एक झाबुआ में एक महेश शर्मा जी के नेतृत्व में एनजीओ चलता है, जिन्होंने भील समाज के लोगों को जागृत करना, उनको धार्मिक उपदेश के माध्यम में उनमें अंदर जो एक आप भी मानव हो, आप भी बराबर हो, आप कम नहीं हो, आप में स्वाभिमान है और आपने 2013 में स्वाभिमान दिखाया भी है, इसकी जो जागृति कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी दी थी प्रधानमंत्री जी को कि भील समाज का एक महत्वपूर्ण स्थान, और प्रधानमंत्री जी को उसका ध्यान भी था, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब 2012 इसी मानगढ़ धाम में स्मृति वन महोत्सव, उस समय उस साल 2 वन महोत्सव हुए थे, किसी राज्य में एक ही वन महोत्सव होता है एक साल, वो एक कहीं और किया फिर एक मानगढ़ धाम, क्योंकि गुजरात की भी 20-25% सीमा लगती है मानगढ़ धाम की पहाड़ी, 80-85% राजस्थान की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश एकदम पास में, तो ये एक जनजातीय समुदाय को मान सम्मान देने का, गोविंद गुरु के प्रति श्रद्धा रखने का, और जो 1500 से ज़्यादा भील समाज के लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने का ये अमृत काल का कार्यक्रम है, उसके लिए प्रधानमंत्री के लिए भी मेरे ख्याल में महाराज जी और कुछ MLA उनको प्रधानमंत्री जी को मिले थे, वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन मानगढ़ तय हो गया, तो अभी आज मानगढ़ की बात वो उसे मुझे जानते हैं। किस तरह की बैठक हुई है और क्या उसका परिणाम है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी की प्रस्तावित 1 नवंबर मानगढ़ धाम बांसवाड़ा की यात्रा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के संभाग के 7 जिलों की बैठक, संगठनात्मक बैठक हुई, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित थे, और सब इच्छे से कार्यकर्ता मानगढ़ धाम जाएंगे, दर्शन भी करेंगे, परंतु हम सबको इस बात की अत्यंत खुशी है कि आने वाले समय में जो पहल आदरणीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री काल से प्रारंभ की और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किए और इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक का स्वरूप प्रदान होने वाला है, हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, उमंग है, और हम सब कार्यकर्ता अपने अपने स्थानों से और अपने अपने वाहनों से ही हम मानगढ़ धाम जाएंगे और वहाँ पर हम कोटि से नमन करते हैं उन योद्धाओं को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए गोविंद गुरु के नेतृत्व में उन्होंने अपना बलिदान दिया। इस निमित्त आज की बैठक उसकी संपूर्ण संरचना होगी। किस तरह का उत्साह है? हमारे जनजातीय क्षेत्र में बहुत उत्साह है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे यहाँ पहुँचेंगे और जो 1500 आदिवासी शहीद हुए उनका उस क्षेत्र में उत्साह के साथ में हमारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा, तो निश्चित रूप से पूरा वागड़ क्षेत्र और मेवाड़ का जो क्षेत्र में बहुत खुशियाँ की लहर है। क्या कहना है आपका? जनजाति क्षेत्र में हमारे सबका गौरव के केंद्र पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो कार्यक्रम बन रहा है, जनजाति क्षेत्र में बहुत उत्साह है और बांसवाड़ा जिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और बाकी शेष राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से आने वाले सभी लोगों के स्वागत और अभिनंदन के लिए तत्पर है। हमारा जिला पूरा तरीके से लगा हुआ है,
आदरणीय ओम जी भाई साहब, हकरू भाई, हमारे प्रधान जी और सब ने मिलकर आज इस बैठक की है और हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक सभा के साथ इस ऐतिहासिक स्थल का हम सब दर्शन करेंगे और राजस्थान के और विश्व के पटल पे मानगढ़ धाम को आगे ले जाएंगे। आप बताओ, आप प्रधान जी, आप क्या कहना है? मानगढ़ धाम को क्या कह रहा हूँ, जनजाति के क्षेत्र के लोगों की सबसे बड़ी बलिदानी भूमि है और इस बलिदान को, इसको राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए जो आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने इसका संकल्प लिया और वो 1 नवंबर को पधार रहे हैं, हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को इतना अद्भुत बनाएंगे, इतना अनुपम बनाएंगे कि भूतों भविष्य ऐसा कार्यक्रम। आप बताओ आपका नाम? नाम बलवीर रावत है, पंचायत वासड़ा, प्रधान जिला वासड़ा। आज जो बैठक हुई है आदरणीय केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो हमें खुशी है कि जो आने वाली 1 तारीख है उसमें हमारा पूरा बांसवाड़ा ज़िला उसकी पूरी तैयारी में लगा हुआ है और हम पूरी मेहनत के साथ और हमारे जो युवाओं में जो उत्साह है वो काफ़ी उत्साह है। जी क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो 1 तारीख को बांसवाड़ा में हो रही है, मानगढ़ धाम एक बहुत ही पवित्र धाम है और प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है उसके तहत यहाँ पर इस धाम में सब लोगों का आना, पूरे समाज के हर प्रतिनिधित्व का आना और इस बात से जुड़ना कि मानगढ़ धाम में 1913 में इतना बड़ा बलिदान हुआ था जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में किसी कारणवश ओझल हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी का इस दर आना अपने आप में ये बताता है कि पूरे भारत देश में एक मैसेज के तौर पर ये बात जाएगी कि किस तरीके से मानगढ़ धाम में भी उतनी ही त्रुटि हुई थी जिस तरीके से जलियांवाला बाग में हुई थी, 1500 लोगों का उस धाम के वहाँ पर उधर मरना और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का जिस तरीके से अत्याचार रहा था, तो ये धाम एक राष्ट्र जिसको कहते हैं कि पूरे देश के लिए एक बहुत पवित्र स्थान है क्योंकि आज अगर हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं तो ऐसे जनों की वजह से कहते हैं, इन लोगों के बलिदानों की वजह से कहते हैं, तो उनकी यात्रा यहाँ पर होगी और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे तो एक पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और डेफिनेटली पूरे राजस्थान में, राजसमंद में और बांसवाड़ा जिले में जो हम कहते हैं अनुसूचित जाति है उन लोगों को भी एक संबल मिलेगा कि नहीं, मोदी जी हमारे बलिदानों को पूरी महत्वता दे रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों में बहुत ही जबरदस्त उत्साह है कि आज मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु जी के चरणों में हम सभी जाएंगे और आदरणीय मोदी जी पधार रहे हैं तो पूरे मेवाड़ क्षेत्र में और वागड़ क्षेत्र में इतना बड़ा उत्साह है कि हम सभी लोग उसको एक त्यौहार के रूप में मनाएंगे और हम मोदी जी का वहाँ पर स्वागत करेंगे। हमारे साथ में कन्यालाल जी मीणा हैं और प्रधान भी रहे हैं, गौतम जी मीणा विधायक इनके पिताश्री हैं, और क्या इस आयोजन से, मानगढ़ धाम के आयोजन से लाभ होगा? निश्चित तौर पर लाभ होगा क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी मानगढ़ धाम के विकास को लेकर बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और पूरे जनजाति समुदाय का सबसे बड़ा केंद्र है, बिंदु है वो, तो वहाँ पर उनके आने को लेकर जनजाति समुदाय में अच्छा उत्साह है और हमें जिस उम्मीद और विश्वास आशा उम्मीद है उसका जरूर घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, इसी उम्मीद में जनजाति समुदाय इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर पूरा भाग लेगा। जी बताएं क्या कहना है? प्रधानमंत्री मोदी जी पधार रहे हैं तो हमारे आदिवासी इलाके क्षेत्र में आदिवासियों को, पहाड़ी इलाकों, मोदी जी के बारे में बहुत सारी योजना मिली, बहुत खुशी, आदिवासी इलाके में पधारेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारे दरियावाल क्षेत्र के प्रतापपुर जिले के सभी आदिवासी महिलाएं जाने के लिए सब मोदी जी के पक्ष में तैयार हैं। मानगढ़ धाम पर जिस तरह का आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी भी उसमें शिरकत कर रहे हैं और इस स्थान को ऐतिहासिक बनाने के लिए और यहाँ की जनता का गौरव बढ़ाने के लिए जो आयोजन होने जा रहा है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारे साथ में महेश जी साहब हैं, आप बताएं साहब क्या आपका परिचय है और किस तरह का लाभ आम जनता को इस धाम को मिलने वाला है? नमस्कार, ये जो आयोजन हो रहा है इसमें हम झाबुआ से शिवगंगा की ओर से कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। मुख्य हेतु ये है कि यहाँ
भीलों ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान दिया, उनका जो रक्त बहा, वो संपूर्ण भारतवासियों के लिए गौरव है। पर देश के आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस समय तक भी उसको राष्ट्रीय स्मारक का, उसके राष्ट्रीय गौरव करने का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का बिंदु भारतवासियों में, यूनिवर्सिटी में नहीं होने से एक बड़ी कमी सबको लगती है। तो ये स्वाभिमान का मुद्दा पाठ्यक्रमों में आए, देश के लोग जाने कि हमारी आज़ादी के लिए जनजाति समाज के भील माता बहनों ने बलिदान दिया। तो सबसे बड़ा यदि कोई इसका पुरुषार्थी लाभ है तो वो है देश को स्वाभिमान से परिचय कराना। जनजाति समाज के बलिदान, देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उसका परिचय कराना। अब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो फिर उसका बहुविध लाभ मिलता है, तो वो तो होता ही है। लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए सामाजिक मान्यता, भारत सरकार की ओर से मान्यता, ये उसकी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। ये आयोजन कोई एक मामूली आयोजन नहीं है। हमने तो सुनी बात है, 1983 की बात है, जब मानगढ़ धाम पे 1500 हमारे आदिवासियों ने इस आज़ादी के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दी थी। तो बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा उल्लास है। हज़ारों की संख्या में यहाँ से आदिवासी जाएंगे कि हमारे बाप दादों ने हमें कैसे इस भारत को आज़ाद कराया, उस संबंध में उसको देखने और सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ से आदिवासी जाएंगे। बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है मानगढ़ धाम में, और विशेष करके आदिवासी समुदाय में विशेष उत्साह है, और जिस तरह से वहाँ पे बलिदान हुआ है और इस बलिदान की गाथा पूरे विश्व में फैले, इसका प्रकाश पूरे विश्व में फैले, इसकी कवायद होने जा रही है, क्या कहना है आपका? ज़्यादा प्रसन्नता और खुशी मुझे व्यक्तिगत है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं उस बलिदान कार्यस्थल पर पधार रहे हैं, और स्वयं उन्होंने भी कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं जा रहा हूँ, मैं उस पुण्यभूमि के दर्शन के लिए आ रहा हूँ। और मैं 1990 में भैरव सिंह शेखावत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस समय वहाँ भरतलाल मीणा कलेक्टर थे। मैंने सारा विषय, क्योंकि हमारे पूर्वजों भी बलिदान दिए, मेरा जन्मस्थान वहीं है, तो इस सारी घटना को बता करके जब भैरव सिंह जी को निवेदन किया, स्वर्ग भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री जी को, तो इन्होंने तुरंत इस विषय को अपने PIS को नोट करा करके वहाँ के कलेक्टर को मैसेज कराया कि सारी स्टडी करके मुझे वहाँ की रिपोर्ट दो। मेरा बताया और वहाँ की रिपोर्ट में जो समानता दिखी इन्होंने, तो तुरंत तय किया डिपार्टमेंट को, चीफ इंजीनियर को बुला करके और वहाँ के फॉरेस्ट वार्ड को बुला करके कि तुरंत, क्योंकि फॉरेस्ट में से रोड जारी थी, तो फॉरेस्ट से क्लीयरेंस ले करके और वहाँ पहली बार रोड मैंने बनवाई, क्योंकि मैं उस विभाग का मंत्री था, और वहाँ जो धूनी है उसका निर्माण भी मैंने करवाया, वहाँ एक मंदिर था उसका छोटा का निर्माण भी मैंने कराया, वहाँ पूर्व विधायक जो उस समय एक मौका जो अब इस दुनिया में नहीं रहे स्वर्गीय, वो वहाँ के पुजारी भी थे, उन्होंने पूरा जितमल जी खाट और एक हमारे तथा उस वो पुराने मंदिर नाला बहुत ही सहयोग किया। और उस समय हमारा महेंद्र मालवीय जी प्रधान थे आनंदपुर के, मैं स्वयं उनको साथ लेकर ऊपर गया था, इसलिए कांग्रेसी भी कहते हैं कि हमने करवाया, उसका जीता जागता उदाहरण महेंद्र मालवीय है जिनको मैं लेके गया था, और आज भी उनको रोक कर कह सकता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में साथ आए थे कि नहीं आए थे, ये अलग बात है, ये तो आदिवासियों का नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषणा करेंगे, जिस तरह का अभी ऐसा संभावना लग रही है, तो ये देश के लिए हमारे एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान के रूप में इसको पहचाना जाएगा। क्या कहना है आपका? जो मैं पूर्व विधायक भीम हरि सिंह रावत, जो अभी हमारी मानधाम जो यात्रा जो निकलने वाली है, वहाँ पे ये ऐतिहासिक क्षण होंगे जो कि आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, और मैं समझता हूँ जलियांवाले बाग से भी ज़्यादा वहाँ पे मतलब हमारी लोगों ने, जो भील समाज के लोगों ने
हमारा आहुति दी है, तो मैं समझता हूँ ये पूरे विश्व में व्याख्यात है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, इन्होंने ध्यान दिया और मानगढ़ में आज इतना बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। राजस्थान में आप देख ही रहे हो इस कांग्रेस का भय भूख भ्रष्टाचार आतंकवाद बलात्कार का तांडव नचा रखा है, और विशेषकर हमारे भीम में तो हमारे विधायक और विधायक के पिता श्रीओं ने ऐसा आतंक मचा रखा है, मतलब लोगों को इतना मतलब परेशान कर रखा है, चाहे किसी भी मायने में ले लो, अगर हर एक में भेदभाव रखा हुआ, कांग्रेस वालों को तबज्जो दो, बीजेपी वालों को मत दो। अरे बीजेपी कोई पाकिस्तान की जनता थोड़ी है, ये भी इसी देश की जनता है, लेकिन इन्होंने इतना मतलब भय भूख भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा है, आज हर व्यक्ति तरह तरह माने, इवन कांग्रेस भी दुखी इन लोगों से। आज समय आया तो इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि साथ ये सोच नहीं पाए कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा। प्रधानमंत्री जी का मानगढ़ धाम पर दौरा हो रहा है और इस दौरे को लेकर काफ़ी उत्साह यहाँ पर दिख रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर में बड़ी बैठक हुई है और हमारे साथ में जिलाध्यक्ष जी हैं रविंद्र जी श्रीमाली साहब। आज जिस तरह से बैठक हुई है और उत्साह जिस रूप में सामने आया है, क्या कहना है आपका? आज संभाग के सभी जिलाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं, इसको लेकर माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने, सतीश जी पूनिया प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे यहाँ के विधायक और प्रतिपक्ष नेता कटारा साहब ने अपने मन की बात रखी। अधिक से अधिक संख्या में और वो विशेष रूप से आदिवासी एसटी वर्ग के सभी लोग वहाँ पहुँचे, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वास्तव में अपने मन के अंदर गर्व की अनुभूति हो कि किस प्रकार से गोविंद गुरु ने एक अपना बहुत बड़ा योगदान, उसमें जो जलियांवाला जो कांड हुआ उससे भी बढ़कर यहाँ पर जो लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया देश की आज़ादी के लिए, तो ये जो जिस प्रकार का जो इस पावन स्थल है, ये एक तीर्थ स्थल है, और इसको हम किस प्रकार से अच्छी तरह से विकसित कर सकें, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी सांस्कृतिक हमारे मंत्रालय द्वारा इसको जो डेवलप करने का काम किया जा रहा है, उसके अंदर संभाग के सभी कार्यकर्ताओं की आम लोगों की सहभागिता हो, और इसे तो आज बैठक ली है। उदयपुर शहर जिला से भी 1500 लोगों का जो लक्ष्य ले जाने का रखा है, हम विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ता ऐसे पावन तीर्थ पर जाकर अपने मन के अंदर गर्व की अनुभूति करेंगे, और ये एक राष्ट्रीय किस प्रकार से किन किन लोगों ने योगदान दिया इस इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। प्रदेश मंत्री एससी मोर्चा जो आज मानगढ़ धाम के संबंध में जो मीटिंग हुई है, उसके संबंध में एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से इस मानगढ़ धाम को आज दिन तक तवज्जो नहीं मिली, वह आज एसटी समाज के लिए एक आन बान शान को उजागर करने के लिए, उसको ऐतिहासिक चीज़ बनाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस मानगढ़ धाम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पधार रहे हैं। हम सभी उनको तहे दिल से वेलकम करते हैं। बहुत